आदमी भारत के इतिहास के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के पश्चात देश में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे राष्ट्रवादी युवा दल का मोह भंग हो गया। इसके बाद वो राष्ट्रवादी युवा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अहिंसात्मक संघर्ष की नीति से भी संतुष्ट नहीं थे और ये क्रांतिकारी युवक रूस, चीन, तुर्की, मिस्र तथा आयरलैंड में होने वाली क्रांतियों से अत्यधिक प्रभावित थे तथा ब्रिटिश शासन को हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इसके अंतर्गत युगांतर तथा अनुशीलन समिति जैसी पुरानी क्रांतिकारी समितियों का पुनः प्रादुर्भाव हुआ और बंगाल, पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त प्रांत इन नवगठित क्रांतिकारी संगठनों के केंद्र। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात की जाए तो उत्तर भारत के क्रांतिकारी संगठनों में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन के घोषित उद्देश्य निम्न एवं सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत के राज्यों को परस्पर संयुक्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, इस संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर स्थापित करने की बात कही गई और राजनैतिक डकैतियों और राजनीतिक अपराधों के द्वारा आंदोलन के लिए शस्त्र एवं धन एकत्रित करना, देश के विभिन्न भागों में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शाखाओं की स्थापना करना, राजनीतिक डकैतियों का उद्देश्य मात्र सरकारी धन के प्राप्त होगा, यह विचार राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लखनऊ सहारनपुर संभाग पर काकोरी नामक स्थान पर एक चलती ट्रेन में डकैती की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लगभग 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 ट्रेन को रोक लिया तथा रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अंग्रेज सरकार ने कार्रवाई करते हुए 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया। इनमें से 4 क्रांतिकारियों अशफाकउल्लाह का राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को मृत्युदंड दिया गया। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। अपनी फांसी के पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने पीने हेतु दिए गए दूध का स्वीकार कर दिया और कहा, मैं अब केवल अपनी माँ का दूध दूंगा। यद्यपि काकोरी केस के जो अभियुक्त थे उनके बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया क्योंकि संगठन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। काकोरी कांड के एकमात्र फरार क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 9-10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अपने स्वरूप में संगठन एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक सांडर्स की हत्या करना था क्योंकि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में सहारनपुर कमीशन के विरोध में निकाले गए जुलूस के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और यह लाठीचार्ज करवाने वाला पुलिस अधिकारी सांडर्स ही था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु तथा चंद्रशेखर ने मिलकर सांडर्स की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के पश्चात क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे लेकिन पुलिस निरंतर निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी, अतः सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से इस एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी देने के लिए एक योजना बनाई अपने स्वयं की गिरफ्तारी देने के लिए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके तथा कुछ पर्चे फेंके। उस समय केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की गई तथा उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का देहांत हो गया। लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद को सरकार द्वारा फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने भूमिगत होकर अपने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया, जिसमें वायसराय की हत्या का षड्यंत्र भी शामिल था। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए आजाद वीर को प्राप्त हुए। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में बंगाल एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। पुरानी क्रांतिकारी समितियां फिर से सक्रिय होंगी तथा अनेक नई समितियों का भी गठन किया गया। उदाहरण के लिए बंगाल स्वयं सेवक दल का गठन हेमचंद घोष तथा लीला नाग द्वारा किया गया तथा श्री संघ की स्थापना अनिल राय द्वारा की गई। इन नवीन संगठनों में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का विशिष्ट स्थान था, जिसकी नींव सूरसेन द्वारा रखी गई थी। सूरसेन पेशे से सज्जक थे तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग ले चुके थे। जन सामान्य उन्हें मास्टर दा के नाम से पुकारता था। सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के बल पर 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस संगठन के सदस्यों द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों को लूट लिया गया। इसके पश्चात भारत की एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रपति सूरसेन थे। इस घटना के पश्चात बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ गई। बंगाल के कारागार महानिरीक्षक की 2 क्रांतिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिसंबर 1931 में 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष तथा सुमित चौधरी ने 1 जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी तथा फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास नामक युवती ने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। एक अन्य युवा महिला क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेकर ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर चटगांव के पहाड़ तली रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। इन क्रांतिकारी आंदोलनों की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, इनमें बहुत सी साहसी एवं निडर महिलाओं ने भी भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार की घटना के पश्चात सरकार द्वारा फैलाए गए आतंक के बावजूद सूरसेन ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। फरवरी 1933 में अपने एक साथी के विश्वासघात के कारण सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। इनकी मृत्यु से बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का सूर्यास्त हो गया। वे क्रांतिकारी जो समाजवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी आदि की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये तो हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। इसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तथा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात की। इसके बाद आगे के टॉपिक या वीडियो में देखेंगे गांधीवादी आंदोलन का दूसरा चरण। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के पश्चात देश में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे राष्ट्रवादी युवा दल का मोह भंग हो गया। इसके बाद वो राष्ट्रवादी युवा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अहिंसात्मक संघर्ष की नीति से भी संतुष्ट नहीं थे और ये क्रांतिकारी युवक रूस, चीन, तुर्की, मिस्र तथा आयरलैंड में होने वाली क्रांतियों से अत्यधिक प्रभावित थे तथा ब्रिटिश शासन को हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इसके अंतर्गत युगांतर तथा अनुशीलन समिति जैसी पुरानी क्रांतिकारी समितियों का पुनः प्रादुर्भाव हुआ और बंगाल, पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त प्रांत इन नवगठित क्रांतिकारी संगठनों के केंद्र के रूप में उभरे। उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात की जाए तो उत्तर भारत के क्रांतिकारी संगठनों में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में
सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन के घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे, जैसे संगठित एवं सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत के राज्यों को परस्पर संयुक्त कर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, ये संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर स्थापित करने की बात कही गई, और राजनैतिक डकैतियों और राजनीतिक अपराधों के द्वारा आंदोलन के लिए शस्त्र एवं धन एकत्रित करना, देश के विभिन्न भागों में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शाखाओं की स्थापना करना, राजनीतिक डकैतियों का उद्देश्य मात्र सरकारी धन के प्राप्त होगा, यह विचार राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लखनऊ सहारनपुर संभाग पर काकोरी नामक स्थान पर एक चलती ट्रेन में डकैती की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लगभग 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 टाउन ट्रेन को रोक लिया तथा रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अंग्रेजी सरकार ने कार्रवाई करते हुए 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया। इनमें से 4 क्रांतिकारियों अशफाकउल्लाह का राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को मृत्युदंड दिया गया। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। अपनी फांसी के पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने पीने हेतु दिए गए दूध का स्वीकार कर दिया और कहा, मैं अब केवल अपनी माँ का दूध दूंगा। यद्यपि काकोरी केस के जो अभियुक्त थे उनके बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि संगठन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। काकोरी कांड के एकमात्र फरार क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 9-10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अपने स्वरूप में संगठन एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक सांडर्स की हत्या करना था, क्योंकि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में सहारनपुर कमीशन के विरोध में निकाले गए जुलूस के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और यह लाठीचार्ज करवाने वाला पुलिस अधिकारी सांडर्स ही था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु तथा चंद्रशेखर ने मिलकर सांडर्स की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के पश्चात क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे, लेकिन पुलिस निरंतर निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी। अतः सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से इस एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारी देने के लिए एक योजना बनाई अपनी स्वयं की गिरफ्तारी देने के लिए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके तथा कुछ पर्चे फेंके। उस समय केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की गई तथा उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का देहांत हो गया। लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद को सरकार द्वारा फरार घोषित कर दिया गया। उन्होंने भूमिगत होकर अपने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया, जिसमें वायसराय की हत्या का षड्यंत्र भी शामिल था। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए आजाद वीर गति को प्राप्त हुए। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की।
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में बंगाल एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। पुरानी क्रांतिकारी समितियां फिर से सक्रिय होंगी तथा अनेक नई समितियों का भी गठन किया गया। उदाहरण के लिए बंगाल स्वयं सेवक दल का गठन हेमचंद घोष तथा लीला नाग द्वारा किया गया तथा श्री संघ की स्थापना अनिल राय द्वारा की गई। इन नवीन संगठनों में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का विशिष्ट स्थान था, जिसकी नींव सूरसेन द्वारा रखी गई थी। सूरसेन पेशे से सज्जन थे तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग ले चुके थे। जन सामान उन्हें मास्टर दा के नाम से पुकारता था। सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के बल पर 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस संगठन के सदस्यों द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों को लूट लिया गया। इसके पश्चात भारत की एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई, जिसके राष्ट्रपति सूरसेन थे। इस घटना के पश्चात बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ गई। बंगाल के कारागार महानिरीक्षक की दो क्रांतिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिसंबर 1931 में दो स्कूली छात्राओं शांति घोष तथा सुनीत चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी तथा फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास नामक युवती ने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। एक अन्य युवा महिला क्रांतिकारी प्रीति लता वाडेकर ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर चटगांव के पहाड़तली रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। इन क्रांतिकारी आंदोलनों की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, इनमें बहुत सी साहसी एवं निडर महिलाओं ने भी भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार की घटना के पश्चात सरकार द्वारा फैलाए गए आतंक के बावजूद सूरसेन ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। फरवरी 1933 में अपने एक साथी के विश्वासघात के कारण सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। इनकी मृत्यु से बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का सूर्यास्त हो गया। वे क्रांतिकारी जो समाजवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी आदि की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये तो हुआ क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। इसके अंतर्गत हमने उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तथा बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात की। इसके बाद आगे के टॉपिक या वीडियो में देखेंगे गांधीवादी आंदोलन का दूसरा चरण।